मैथ सॉल्यूशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज मैथ सॉल्यूशन में लेकर आए हैं हम कौन सा पेपर, आज यूपी पुलिस 2018 का 25 अक्टूबर 2018 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। 25 अक्टूबर 2018 को यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन आए और कौन कौन से क्वेश्चन आए, उन सभी का आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है, प्रयास अच्छा लगता है, तो आप पहले वीडियो को देखें, उसके बाद इसको सराह सकते हैं लाइक और शेयर करके। चलिए करते हैं बात जो क्वेश्चन नंबर 39 से होती है शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 39 ही जो है वो मैथ का पहला क्वेश्चन था। यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी होगी। देखें 9:5 के अनुपात में बांटना है, 9:5 के अनुपात में बांटना है और कुल लंबाई कितनी है भैया, कुल लंबाई है 154 मीटर। तो 154 बराबर किसके हो जाएगी, 9 और 5 14 के, छोटा टुकड़ा 5 बराबर हो जाएगा, छोटा टुकड़ा 5 बराबर किसके हो जाएगा भाई, छोटा टुकड़ा जो है वो इस लंबाई का होगा। 14 एकम 14 तो छोटा जो टुकड़ा है वो किस लंबाई का होगा भाई, वो हो जाएगा आपका 11×55 मीटर का, ये छोटा टुकड़ा होगा जो 154 मीटर में से काटा गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात और ये है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है भाई, आसान क्वेश्चन है। 450 का 78% 450 का 78% कितना है, तो 450 का 78% बताना है, तो प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लगाना होगा। क्या करना होगा, बटे में 100 लगाना होगा। जीरो से जीरो गया भाई, 5×45 5×2 10 दो से काटा, 2×3 6 2×2 18 गुणा कर दो, 9×81 का 1 कांसिल को 8 और 9×3 27 27 और 8 35 कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 351 बनेगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं, 41वां भी क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। 41वां देखो भाई, एक्स को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है, उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना वाई को रुपये को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है, तो एक्स अनुपात वाई का मान बताना है। देखिए एक्स रुपये है, 9% की दर है, 7 वर्ष है और ब्याज अगर निकालना है तो बटे में 100 लगाना होगा। वाई रुपये है और यहाँ पर 5.25% की दर है और वर्ष 16 है और बटे में 100 लगाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें ब्याज निकालना है। चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर और पॉइंट हटा देते हैं, तो पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के लिए 1 और जितने अंक है उतने 0 लगा दी। 25×50 और 25×25 25×4 4×16 है भाई, ठीक है, 3×3 9 और 3×7 21 और 7×7 भी गया, इसका मतलब 3x बराबर है 4y के या x अनुपात y बराबर है 4:3 के, और यही आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का 4:3। चलिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, एक एक क्वेश्चन को यहाँ करके दिखाते हैं आपके लिए और क्वेश्चन नंबर 42 की करते हैं शुरुआत। सुविक को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 12% की हानि होती है, 12% की हानि होती है, 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। 12% की हानि का मतलब होता है भैया 88% बराबर 198 के हैं, तो 108% बराबर किसके हैं ये देखना होगा हमें। चलिए 11 से भाग करा, 11×88 11×11 11×88 2×8 और 2×18 4 से हमने इसे काट दिया तो यहाँ पर 4×2 8 और 4×7 28 इसका मतलब 27×9 करना पड़ेगा, ठीक है, 9×7 63 का 3 का हासिल को 6 और 9×2 18 और 6
18 और 6 24 मतलब 243 रुपए का ये माल होगा, लेकिन 243 उतना नहीं है, कितना बढ़ाना पड़ेगा? 243 तो अब है, पहले ही बिक रहा था 198 में, मतलब 45 रुपए वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी हमें। 12% की जो हानि थी उसे किस में 8% का लाभ बदलने में हमें रेट को 45 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। 45 रुपए उत्तर आया क्वेश्चन नंबर 42 का, और 43वें क्वेश्चन की करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है उसे भी देख लेते हैं भाई, और यह है एक खिलौने का रियायती। रियायती का मतलब होता है छूट के बाद। रियायती मूल्य 1470 रुपए है, यदि 16% की छूट है तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? रियायती है 16% की, मतलब 84% बराबर है 1470 के, तो 100% बराबर किसके हैं ये बताना है, अंकित मूल्य के आ जाएगा ये। तो 21 चौक 84, 21 सत्तर 147, 4 से काटा 25 बार कटा, इसका मतलब अंकित मूल्य MRP बराबर कितना हो जाएगा भाई, 25 सत्तर 175, 1750 रुपये। 1750 रुपये जो है वो 43वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 रुपये निवेश किए और लाभ में उसके हिस्से में 225 रुपये आए। अगर आकाश ने लाभ के से अपने हिस्से के रूप में 288 रुपये प्राप्त किए हों तो आकाश ने कितनी राशि लगाई थी? देखो 1875 रुपये अगर लगा रहा है तो 225 रुपये लाभ मिल रहा है। अब लाभ है 288 का, तो कितने रुपये लगाए होंगे आकाश ने ये बताना है। बस बस सीधा सा इसको हल करना है। 25 सत्तर 175 कितने बचे, 12 25 पंजे 125, 25 नीमा 225 हो गया भाई, ठीक है। 3 3 9, 3 2 6 और 3 5 15, 3 3 27 और 3 6 18, इसका मतलब अगर आकाश के रुपये की बात करूँ मैं तो कितना आ जाएंगे भाई, 25 × 96 के बराबर आएगा। 25 6 150 और 25 नीमा 225 और 15 240, कुल मिलाकर 2400 रुपये आकाश ने लगाए होंगे। कितने रुपये लगाए होंगे, 2400। तो क्वेश्चन नंबर 44 भी आसान क्वेश्चन। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर पेपर आप दे रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल मैं समझता हूँ इन क्वेश्चन में नहीं है। अगर बच्चा थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ी सी तैयारी कर ले, अर्थमेटिक को थोड़ा सा समझ ले तो काम बन जाएगा। 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए। समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने थे? देखें कितना डिफरेंस है टोटल। पहले यहाँ पर देखो 25 छात्रों के कुल अंक, 25 छात्रों के कुल अंक कितने हैं, 25 × 24, 25 × 100 = 10, 25 × 50 = 10, 60 मतलब 600 अंक थे 24 छात्रों का। जब एक छोड़ के चला गया तो औसत हो गया 25, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी 600 गया भाई, 25 × 24 में करूँ या 24 × 25 में करूँ, उत्तर तो बदलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं दोबारा से, एक और आ गया तो 25 छात्रों का कुल योग कितना है, तो 25 × 24.8, ठीक है भाई। अब यहाँ पर गुणा करिए, 25 × 8 = 220, 25 × 100 और 20 कितने हो गए, 120, मतलब हासिल को 12 हैं और 25 × 50 = 62, मतलब इनका योग है 620। जब हमने एक गया है तो कोई अंतर नहीं पड़ा, मतलब वो तो जीरो ही था, लेकिन जब एक आया तो यहाँ पर टोटल जो अंक बढ़े वो 20 बढ़े हैं। तो यहाँ पर औसत बताना है इन दोनों का, तो औसत कितना है, जो 20 बढ़े हैं उसको ही 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा भैया, 10। इनका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा औसत।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और ये होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्या है भाई? एक्स अनुपात 4 समानुपात वाई अनुपात 5। तो एक्स अनुपात वाई का मान बताना है, ठीक है भैया। देखिए बाहर बाहर वालों गुणा, अंदर अंदर वालों गुणा, तो एक्स अनुपात वाई बराबर क्या आ जाएगा भैया? 4:5, सीधा सा काम बन गया। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल अगर बनना है तो मैं समझ रहा हूँ मैथ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं और यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ आराम से। 600 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज बताना है, 2 वर्ष का ब्याज बताना है भैया। 600 रुपये का देखो 10% की दर है, तो 10% के हिसाब से 600 का 10% निकालो 60 आया, 600 का 10% निकालो 60 आया, अब 60 का 10% और निकाल दो तो 6 आ गया भाई। कुल मिलाकर अगर हम ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना है, ये पहले साल का और ये दूसरे साल का दोनों का जोड़ दो तो 60 120 और 6 126 रुपये जो हैं वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। 126 रुपये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है किसका भैया? 600 रुपये का 10% की दर से। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 48 की। अभय और श्रेया अकेले 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अभय से शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी से एक एक मिनट के लिए कार्य करते हैं और केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय का कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कार्य पूरा करने के लिए दोनों का समय बताना है, कुल समय बताना है। तो 42 और 70 मिनट का समय लगता है क्रम से अभय और श्रेय को। अगर मैं एलसीएम ले लूं, यहाँ पर तो कितना बनेगा 42 और 70 का एलसीएम, ये बताइए आप भाई। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लें तो 42 और 70 का 7 से काट दो, 7 6 42 10, फिर 2 से काट दो 3 5, तो 5 2 10, 7 21, 210 कुल मिलाकर ये है आपका एलसीएम। 42 से भाग देंगे तो 5 बार वहाँ नीचे चलेगी, 42 5 2 10, 70 से भाग देंगे तो 3 बार। इसका मतलब पहले मिनट 5 काम हो रहे हैं और दूसरे मिनट 3 काम हो रहे हैं, पहले मिनट 5 काम हो रहे हैं और दूसरे मिनट 3 काम हो रहे हैं, और ये टोटल काम करने हैं हमें कितने, हमें काम करने हैं भैया 210 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 210। अब 2 मिनट में 8 काम हो रहे हैं, 210 को अगर मैं भाग करूँ 8 से तो भाई 8 2 16 कितने बचे, 5, ठीक है, और 8 6 48 बचे 2। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को एक मानना हूँ तो 26 मिनट का समय लगता है, लेकिन यहाँ 1 मिनट ये है और एक है ये, 2 मिनट का काम है तो 26 का करना पड़ेगा मुझे डबल, तो 26 × 2 मतलब 52 मिनट में, 52 मिनट में कितने काम हो जाएंगे, 52 मिनट में 208 काम हो जाएंगे। आगे बचे कितने काम, 2 काम करेगा कौन, अब है बटे 5 कर दो, इतने मिनट का समय लगेगा, कितने का, 52 सही 2/5 मिनट का। या मैं क्या कह सकता हूँ इसे, इसे कह सकता हूँ 52 मिनट तो लग ही रहे हैं भाई, 2/5 की सेकंड बना दी हमने, तो 5 से काटा 12 बार 12 2 24, तो 52 मिनट और 24 सेकंड का यहाँ पर समय लगेगा, और 52 मिनट 24 सेकंड किस ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में है और पहला ही ऑप्शन ये सही हो जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 लेकर आ गए हैं, 49वां क्वेश्चन। रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है जबकि स्थर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले और रक्षा काम छोड़कर चली जाती है, स्थर ने कितने दिन काम करा। देखो भैया रक्षा कर रही है 12 दिन में किसी काम को और स्थर जो है वो करती है भाई कितने दिन में, 20 दिन में। एलसीएम ले लो 60 आ गया, 12 5 60 और 20 3 60,
काम छोड़कर जा रहा है आदमी, काम समाप्त होने से पहले जा रहा है, चार दिन पहले रक्षा, तो 60 में ये जोड़ने पड़ेंगे। जो अगर काम समाप्त होने से पहले जा रहा है तो उसके काम जुड़ते हैं, और काम शुरू होने के बाद जा रहा है तो उसके काम घटते हैं। एक दिन में 4 काम करती है रक्षा, 4 दिन में 20 काम करेगी, कुल मिलाकर ये हो जाएंगे 80 काम। और समय अगर हमें निकालना है तो बटे करना पड़ेगा 5 और 3 8, कुल मिलाकर 10 दिन में काम समाप्त होगा। और इस तरह जो है पहले दिन से लास्ट के दिन तक लगी है तो भैया 10 दिन ही इसका समय है। क्वेश्चन नंबर 50, थोड़ा सा अभी तक सभी क्वेश्चनों से थोड़ा सा हटकर, बहुत ज़्यादा हटकर भी ना मानो, बहुत थोड़ा सा चेंज आया है क्वेश्चन नंबर 50 में। एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है, मतलब जब किनारे से 20 किलोमीटर था वो, तब उसमें रिसाव शुरू हुआ, और रिसाव के बावजूद किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे बढ़ने में सक्षम है, फिर भी उसकी जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है, मतलब 23 मिनट तक ही तैरेगा, उसके बाद वो डूब जाएगा। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की तरफ भेजा जाए और जहाज के नौका दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट का समय लगे, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए? अब देखिए, 8 मिनट तो उन्हें सवारी को उतारने में ही लगेंगे, तो यहाँ पर 8 मिनट का समय हमें घटाना पड़ेगा। कुल जो समय है वो हमारा जहाज डूबने का कुल समय 23 मिनट का है, ठीक है जी, और इसमें से हमें 8 मिनट माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय में हम केवल यात्रियों को उतार सकते हैं। तो ये जो दूरी कवर करनी होगी वो 15 मिनट में करनी होगी, किसे 15 मिनट में करनी होगी। अब 15 मिनट में जहाज द्वारा चली दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 15 मिनट बटे कर देंगे 60, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यो किलोमीटर प्रति घंटा यो मिनट, तो इसे घंटे में बदल दिया, 12 × 5 = 60, 5 × 3 = 15, कुल मिलाकर 3 किलोमीटर तो चल सकता है जहाज। टोटल दूरी है 20 किलोमीटर की, टोटल दूरी है 20 किलोमीटर की, तो नाव की चाल देखनी, 20 किलोमीटर की दूरी में से 3 जाली भाई, तो बचे कितनी 17, 20 किलोमीटर की टोटल दूरी थी, उधर से जब जहाज आ रहा है तो 3 किलोमीटर तो वो भी चल रहा है, तो वो कम होगी, अब बची 17 हैं। समय लेकिन इसके पास भी 15 है, समय इसके पास भी 15 मिनट है, तो 15 मिनट का मतलब 15/60, ऊपर जालेगा 60, 15 × 60 = 60 और 17 × 68 किलोमीटर प्रति घंटा अगर इसकी चाल हो तो सभी व्यक्तियों को बचाया जा सकता है 68 किलोमीटर प्रति घंटा अगर नाव चले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 51। 51वां क्या है भाई? पालसन आमतौर पर 8:15 पर घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति के 3/5 पर यात्रा की और इसलिए 45 मिनट देर से पहुंचा, तो सामान्य समय, सामान्य समय देखो क्या है भाई, यहाँ है 3/5, 3/3 डिफरेंस 5, तो ये लिखा जाएगा और गुणा जितना जल्दी या लेट जा रहा है वो समय यहाँ लिखा जाएगा 45 मिनट। समय घंटे में है तो यहाँ पर इसे घंटे बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग करनी पड़ेगी, अब बन चुके हैं ये क्या भैया, घंटा, ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य समय ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे भाई, 15 × 3 = 45, 15 × 60, 3 × 9 = 8, घंटे आ गए, या मैं कहूँ 1 = 1/8 घंटे का समय है उसके सामान्य चाल से चलने पर, सामान्य समय 1 = 1/8 घंटे का समय लगता है। 52वां क्वेश्चन क्या है भाई, 52वां क्वेश्चन है आपका 48 + 25 - 20 - 11 = 16 / 2 = 4, और इसको
हल करना है आपको। देखो भैया ये आ गया 48 जो का तू है, कुछ नहीं कर सकते। 25 यहाँ पर 20 माइनस ये आ गया 2 8 16 और 4 2 8 4 32 2 8 16 हैं और 8 4 32 तो 11 में से 32 घटाएंगे भैया, 11 में से 32 घटा देंगे, घटा दो कितना बचा भाई 20, 32 में से 11 गए 21 माइनस के बचे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है भाई 48 प्लस 25 और ये हो गए 41, ठीक है भैया। अब इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि इस ब्रैकेट से बाहर है प्लस, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 8 5 13 का 3 का हासिल को 1 4 2 6 1 7 माइनस 41 बराबर हो जाएंगे 32 और यही इसका आंसर है, यही इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ रहे भाई, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 256 प्लस 25.6 प्लस 2.56 प्लस 0.256 प्लस 0.0256 को हल करके हमें बताना है। देखिए भाई 256 में पॉइंट लास्ट में है, 25.6 लिखेंगे, 2.56 लिखेंगे, 0.256 लिखेंगे, 0.0256 लिखेंगे, जोड़ दो 6 5 11 का 1 कहाँ सिल को 1, 6 5 11 2 13 1 14 का 4 कहाँ सिल को 1, 6 5 11 2 13 1 14 का 4 कहाँ सिल को 1, 6 5 11 2 13 1 14 का 4 कहाँ सिल को 1, 5 2 7 1 8 कुल मिलाकर 284.4416 वो किसका 53 में क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है भाई देख लेते हैं। यहाँ पर है उसने कहा 13/19 के बराबर नहीं है, पहला ऑप्शन है 39/57, दूसरा ऑप्शन है 91/133, तीसरा ऑप्शन है 195/247 और चौथा ऑप्शन है 208/304। तो अंश से अंश को भाग दो, हर से हर को भाग दो, जहाँ अलग वैल्यू आ जाए वहीं उत्तर आ जाएगा। 13 3 39 और 19 3 57 ये तो कटेगा इससे पूरा पूरा, मतलब ये तो इसके अनुपात में है, ये तो इसके बराबर है। 13 7 91 और 19 7 133 ये भी बराबर है, ठीक है जी। अब इसे भाग करके देखा 13 1 13 बचे 6 13 5 65, 19 से भाग करके देखा 19 1 19 बचे कितने 5 19 3 57। देखिए ऊपर 13 आना है और 15 आना है, नीचे आना 13, इसका मतलब ये ही गलत है, ये ही इसके बराबर नहीं है। यहाँ पर आपने देखा था 3 3 आया था, यहाँ पर 7 7 आया है और यहाँ पर अगर भाग करें तो 13 1 13 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा भाई 7 13 6 78, 19 से भाग करेंगे तो 19 1 19 11, 19 6 114, तो यहाँ पर देखिए 16 16 है, यहाँ पर 7 7 है, यहाँ पर 3 3 है, लेकिन यहाँ पर आया है 15 और 13, ये ही गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसके बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 54वां। 55वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई, क्या है 55वां क्वेश्चन, ये है 47 141 188 का हमें क्या निकालना है भैया, लैसे निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले 47 से भाग कर देखो भाई, 47 1 47 47 3 141 और 47 4 188, बस अब तो काम ही बन गया भाई लैसे निकालना। तो 47 × 4 3 12 गुणा कर दो, 12 7 84 का 4 का हासिल को 8, 12 4 48 48 और 8 56, मतलब 564 जो है वो क्या बनेगा इसका लैसे बनेगा, एलसीएम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 56वां क्वेश्चन क्या है देखो भाई, 840/x और 960/x दोनों धनात्मक पूर्णांक है और इसलिए x भी है, x का अधिकतम मान संभव क्या है, मतलब जो 840 और 960 का क्या HCF बनेगा वो ही इसका उत्तर है। और अगर डिफरेंस लूँ तो 120 आ गया, तो 120 सत्ते 840 और 120 अठे 960, तो इसका जो मैस है वो कितना है 120 है और यही x है और यही उत्तर है।
ठीक है भैया, नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं और कितने क्वेश्चन मैथ के हैं। एक क्वेश्चन और बच रहा है मैथ का, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 57। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 14744, 28856, 43976 और चौथा ऑप्शन है 57228। 12 से पूर्णतः विभाजित कौन सी है ये बतानी है। तो 12 से विभाजित होने के लिए जो संख्या 3 से और जो संख्या 4 से पूरी पूरी कटेगी, वही संख्या जो है वो 12 से विभाजित हो सकती है। ठीक है भैया, अब यहाँ पे देखो, पहले 3 से विभाजित होने के लिए 4, 1, 5, 7, 12, 12 और 8, 20, 20 3 से विभाजित नहीं होता तो ये 12 से विभाजित नहीं होगा। 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 5, 18, 5 23 और 6 29, 3 से विभाजित नहीं होता तो 12 से भी विभाजित नहीं होने का। 4, 3, 7, 7, 9, 16 और 7, 23 और 6 29 भी 3 से विभाजित नहीं होता तो 12 से विभाजित नहीं होगा। ये तो 100% उत्तर बनेगा डी, करके देख लो। फिर भी 7, 5, 12, 12 और 2 14, 2 16 और 8 24, 24 3 से कटता है, हम यह 3, 8, 24 बिल्कुल। 4 से कटने के लिए लास्ट के दो अंक वो भी कट रहे हैं, इसका मतलब 100% नहीं है। अब जहाँ 1000% ये संख्या 12 से कटेगी, 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये रहे हैं आपके 25 अक्टूबर 2018 की सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हमने करा दिया है। अब वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, साथ साथ अगर आप शेयर और लाइक भी नहीं करते हैं तो कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए मैथ का, उसको हम यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट सॉल्यूशन तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।